कामसूत्र ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है ये शायद एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन कामसूत्र पॉडकास्ट मैं हूँ आपकी होस्ट निवेदिता और हमारे साथ है अर्श जो है वेदिक स्कूल ऑफ थॉट से. सेक्स आजकल के लाइफ में बहुत ही नॉर्मल और ओपन कॉन्वर्सेशन का टॉपिक हो चुका है बिल्कुल बिल्कुल लोग बातें करते हैं इसके बारे में और इनफैक्ट अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं पर अभी भी सेक्स एडुकेशन को नॉर्मलाइज नहीं किया गया है आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो कामा सूत्रों के ऊपर है लोग कामसूत्र के बारे में जानते तो हैं लेकिन किसी से पूछो तो क्लियरली बता नहीं पाते हैं कि क्या है बेसिकली hmm. लोग इसको एक इरोटिक बुक मानते हैं जितना मुझे पता है उसके हिसाब से कामसूत्र कहीं ना कहीं मॉडर्न वे ऑफ इंटरमेसी से कनेक्टेड है हाँ, मतलब कामसूत्र बेसिकली बहुत लोग ऐसा कहते हैं की कामसूत्र जो है वो आर्ट ऑफ सेक्स है जी. पर आई डोंट थिंक सो कामसूत्र एक आर्ट ऑफ सेक्स है कामसूत्र है आर्ट ऑफ प्लेजर मतलब देर आर मेनी वेज टू गेट प्लेजर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप प्लेजर उठा सकते हैं चीजों को लेके उसमें कभी सेक्स का जिक्र नहीं है अब बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सेक्स की बात हो रही है आजकल तो बहुत सारी पॉइंट भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या करते हैं चीजों को लेके लेकिन अब चूंकि मैं एक वैदिक स्कूल ऑफ थॉट से हूँ और सनातन बैकग्राउंड से हूँ तो जब मैंने वात्स्यायन की कामसूत्र पढ़ी तो ये समझ में आया कि जैसे होता है ना कि एक ही चीज होती है कि केवल सेक्स तो ही हो रहा है और उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आजकल तो यही हो रहा है कॉमनली हो रहा है कॉमनली जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि शायद कभी भी अगर हम एक स्ट्रेट रास्ते पे जाएंगे ना तो हमें और चीजें देखने को नहीं मिलेंगी तो इसमें इतने वेज बताए गए हैं अलग अलग तरीके से जब आप चीजों को और कैटेगराइज करके समझना शुरू करते हैं ना तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि अब ये भी हम कर सकते हैं ये भी हम कर सकते हैं तो शायद कामसूत्र में जिस तरह की स्टोरी टेलिंग है या जिस तरह की चीजें बताई गई हैं वो आज के लोगों को जानना बहुत जरूरी है सेक्स तो एक बहुत अजीब सा टॉपिक हो गया और एकदम लास्ट में हो गया पर उससे पहले भी बहुत कुछ होता है मेरा ऐसा मानना है तो आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं कामसूत्र जो है वो साइंस ऑफ हैविंग सेक्स एंड प्लेजर वो बताता science है साइंस साइंस मतलब नहीं exactly, नहीं एग्जैक्टली कह सकते हो कामसूत्र एक सूत्र का मतलब बेसिकली होता है पॉइंटर्स देर आर पॉइंटर्स देर आर फॉर्मुला ठीक है तो काम सूत्र मतलब जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष हाँ उसके बिना जिंदगी की शुरुआत नहीं है अंत नहीं है तो धर्म हमारा होता है जितने भी चीजें धर्म इज अ लॉ ऑफ नेचर हाँ, जो हम लोग काम करते, करते हैं है। जो हम लोग करते हैं ठीक है हाँ, तो वो हमारा धर्म हो गया अर्थ हमारी जितनी भी सामाजिक गतिविधियां हो गई या वो सब जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है पूरा अर्थ हो गया अब जो काम है वो ये चीज है बेसिकली काम इच्छाएं हमारी जितने भी अंदर डिजायर है ये सारे हमारे काम में आता है और बिना काम को अटेन करे मेरा ऐसा मानना है कि आप मोक्ष तक ही नहीं सकते

पढ़ नहीं रही मतलब दुनिया की बहुत सारी वेद पुराण किताब लोगों ने पढ़ी है उठाई है और उस पर अननेसेसरी दावा करते हैं पर आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो कामसूत्र को खोल के बोल पाए चीजों को बता पाए तो वही मैं उस दिन बैठा और मैंने ये चीज नोटिस करी की ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं जब हम बात कर रहे हैं ना कि कामसूत्र में क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो एक बार मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा अच्छा मैंने पढ़ी है थोड़ी सी तो उसमें एक उसमे कलाएं ऐसे करके उसमें चौसठ कलाएंठ चौसठ कलाएं जी तो उसमें चौसठ कलाओं का जिक्र है बेसिकली और चौसठ कलाएं बेसिकली ये नहीं है कि तुम चौसठ पोजीशंस में चले जाओ अलग अलग अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता है चौसठ काम कलाओं की बात हो रही है काम कलाओं जैसे ऐसा कहते हैं कि इसे जानना बहुत जरूरी इन काम कलाओं के जैसे संगीत हो गया गायन हो गया Okay. इन सब कलाओं का जिक्र है खाना बनाना हो गया अच्छा एक होता है मल्टी टास्कर एक सबसे बड़ा मिसकनसेप्शन जो है वो ये है कि कामसूत्र किसी लड़की के लिए लिखी गई है अच्छा ऐसा नहीं है वो लड़के के लिए लिखी गई है आप जितनी भी कामसूत्र पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर जोर दिया जाएगा कि लड़की को ये करना चाहिए लड़की को वो करना चाहिए पर जब मैंने इन सब का बहुत ज्यादा रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि आ, ये बेसिकली लड़के के लिए लिखी गई है कि लड़के को चौंसठ काम कलाओं में निपुण होना चाहिए तब वो किसी लड़की को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है या उसके साथ रह सकता है आप इतना भी नहीं कि तुम चौंसठ के चौंसठ में निपुण हो जाओ फिर तो वाला हाल हो जाएगा ना कि मतलब इंसान बोरिंग नहीं इरिटेट ज्यादा हो जाएगा और अगर तुमको बिल्कुल नहीं आती है, तो तुम बोरिंग हो जाओगे हाँ। इसलिए तुमको आना जरूरी है मैंने आ, ये भी मतलब पढ़ा है कि जो कामसूत्र सूत्र जी ने लिखी थी जी जी वो उनकी अपनी किताब नहीं है वो रिसर्च उन्होंने कितनी हजार बुक्स थे उनका रिसर्च करके उसके बाद उसका एक हाँ मतलब देखिए अब ऐसे निकाल के उसके बाद लिखा था आप बोल सकते हो लेकिन देखिए दो चीजें हैं बहुत बहुत समय पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे दूंगा कामसूत्र का जी की बहुत समय पहले जब शिव भगवान के जो गढ़ थे नंदी भगवान और बहुत सारे ऐसे गण थे तो भगवान ने ना सबको अपने अपने काम दिए थे करने के लिए कि तुमको ये करना है तुमको वो करना है अच्छा। नंदी भगवान को उन्होंने बोला था कि तुम्हें काम के ऊपर कुछ लिखना है अच्छा अब बहुत लोगों को 90 परसेंट लोगों को यही नहीं पता है कि जो काम शास्त्र लिखा गया है वो नंदी भगवान के द्वारा लिखा गया है अच्छा अब ये अब बात है ये सोच कहाँ से आ रही वो नहीं पता बट ये मैंशन है काम सूत्र के अंदर मेंशन है की नंदी भगवान ने सबसे पहले करीबन हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने कुछ ऐसे छंद लिखे थे जो काम शास्त्र के ऊपर थे उसके बाद फिर धीरे धीरे जो ऋषि मुनि आते चले गए आगे के उसमें दौर में हाँ? वा भ्रव्य ऋषि और जो भी आगे आते चले गए सायन जो है हाँ? सबने फिर इंटरप्रिटेशन देना शुरू करा इस चीज का कि उन्होंने जो लिखा है क्या वो एक्चुअली है और अगर वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तो उन्होंने उसमें मैंशन करा है नहीं सही है

अगर वो शिव पुराण को पढ़ेगा तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा बिल्कुल तो उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा उसके लिए मतलब शिव पुराण अलग शिवपुरा पे घूम रही होगी हाँ। तो तुमको अलग अलग कहानियां पता चलेंगी अब तुम्हें सच्चाई निकालनी है तो बड़ी दिक्कत है हाँ। इसीलिए शायद आजकल मैनुप्लेट हो गया कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा इसीलिए आजकल शायद कामसूत्र ही नहीं किसी भी किताब में ये है की आखिर इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या अब अगर आप ऐसे देखोगे तो कामसूत्र की हजारों कहानियां हजारों वेज है बहुत लोग कहते हैं चौसठ अलग अलग तरीके से उसमें लिखा हुआ है वो चौंसठ काम कलाएं हैं पर ऐसा नहीं है मतलब अगर आप कॉमन पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो वो चौंसठ काम कलाओं का जिक्र है अब मैं आपको इसका एक और कॉन्टेक्ट देता हूँ की आखिरकार काम जो वर्ड है ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये आया कैसे अच्छा। आ, हम सब कामदेव के बारे में जानते हैं जब हम काम, हाँ। काम का नाम सुनते हैं तो कामदेव काम सबसे पहले आ जाते हैं एक आपने एक बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स में ऐसी भी कथा सुनी होगी तथागत तौर पे कि कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया अपनी तीसरी आंख से ठीक है कर रहा था वो सच्चाई वो हर जगह लिखा हाँ। हुआ तो भस्म होने के बाद क्या हुआ कि उनको कोई शरीर नहीं मिला वो अनंग हो गए बेसिकली अनंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो हर जगह व्याप्त है और कामदेव के साथ जो उनकी पत्नी थी रति ऐसा कहते हैं कि उन्होंने शिव जी से बोला कि अब मैं इनके बिना तो रह नहीं पाऊंगी तो मुझे भी ऐसा ही कुछ कर दो कि मैं दिखू नहीं मतलब मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ पर मैं दिखू नहीं एक मान्यता के हिसाब से ऐसा लोग कहते हैं कुछ रिसर्च के हिसाब से भी की जो कामदेव थे वो कन्वर्ट हो गए लव में एक तरीके से या उसको आप किसी भी रूप में मान ले और जो रति थी वो इमोशन के रूप में तब्दील हो नहीं ऐसा करके तो क्या इससे ये भी बोल सकते हैं कि जो लव है यू कांट सी इट यू कैन फील इट तुम देख can... नहीं सकते हो उसे फील कर सकते हो हाँ। पर है क्या कोई इंसान है क्या लव ऐसा नहीं पर सीधे कामदेव को जोड़ा जाता है इससे अच्छा जोड़ा भी तो कामदेव से ही जाता है हाँ। ना कि कामदेव अपना तीर मारेंगे तुम वशीकृत हाँ। हो जाओगे उससे तो कैसे हो जाओगे वशीकृत तो मेरा ऐसा मानना है कि इसीलिए बोलते हैं कि लव इज एटर्नल पर व टू अंडरस्टैंड दिलव काम को तुमको समझना पड़ेगा एनी हाउ अगर तुम काम को नहीं समझते हो तो मेरे हिसाब से आ... जो पुराने लोग करते थे अपने अपने टाइम पे जो अपनी चीजें करते थे पुराने टाइम के जो रिलेशनशिप होते थे वो बहुत ज्यादा चलते थे अभी के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप कट ऑफ हो रहे हैं क्योंकि आजकल शायद ऐसा भी हो रहा है कि लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही रश करके जान ले रहे हैं और मतलब कुछ चीजों का वेट नहीं करते हैं और जल्दी करके मतलब पहले ऐसा नहीं था अभी तो ऐसा जमाना है की अभी एक टेक्स्ट मैसेज पे या कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सब कनेक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में मिलते हैं बात ही पहले है ऐसा ना मतलब मेरा ऐसा मानना है एनर्जीज तो

कि जल्दी से लाओ जैसे तैसे हो जाए बस हाँ। और होने के बाद वो बिल्कुल एकदम शांत शांत मतलब पेशेंस पेशेंस ही खत्म खत्म हो हो गया गया वैसा। वो हो गया, सब फिर क्या होता है लेट सपोज कोई एक इंसान अलग टेंजेंट पे वाइप कर रहा है उदाहरण के तौर पर तो वो अलग तुमसे हट जाएगा हाँ। फिर वो हो गया ब्रेकअप एक हाँ। तरीके का हाँ। अब वो अलग हो गया तो तुमको ये लग रहा है कि बताओ ऐसे करके क्यों अलग हुई पर उसके भी अपने पीछे साइकी है तुमने उस चीज को टाइम नहीं दिया जिसके बहुत सारे हैं। अच्छा। हजारों है, अलग अलग आ, राइटर्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया और बोला है कि उनके हिसाब से ऐसा है मैं आपको बताता हूँ वात्स्यायन से पहले वाभ्रव्य करके एक ऋषि थे अच्छा। उन्होंने कामसूत्र में बहुत कुछ लिखा लेकिन वात्स्यायन जी ने उसका खंडन कर दिया बोले कि ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल नहीं है किस बेसिस पे मतलब अब ये बेसिस ये होता है ना कि उदाहरण के तौर पे हुँ? जैसे जो पुराने लोग होंगे ठीक है उनको चाचा चौधरी किसी को पसंद आ रहा है किसी को कुछ हाँ। आज के टाइम पे किसी को डोरेमोन पसंद आ रहा है हाँ। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि चाचा चौधरी गलत है हाँ। है ना वो दोनों ही सही है अपनी जगह एरा एरा फर का फर्क है हाँ लेकिन क्या होता था जब शास्त्रार्थ होता था जब राइटिंग होती थी ना तो जो ऋषि मुनि होते थे वो सीधा खंडन करते थे कि मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ मैं नहीं मानता हूँ मतलब वो मानते होंगे आई रेस्पेक्ट लेकिन मैं नहीं मानता हूँ मेरे हिसाब से जो काम सूत्र है जो काम है वो ये है अच्छा। तो वादसायन जी ने अपना लिखा अब हुआ क्या कि जो इंटरप्रिटेशन वादसायन जी ने लिखी है वो इतनी ज्यादा क्लासिक तरीके से लिखी हुई है कि आगे आने वाले जितने भी राइटर्स थे जितने भी लोग थे उन लोगों ने उस चीज को ओके कर दिया मतलब ये एक्सेप्टेड हुआ। ये वही वाला हाल है कि मैं बहुत ज्यादा अगर ट्रिकी इंसान हूँ तो तुम्हें मुझे समझने में टाइम लगेगा

ने बोला था कि जो ऐसी लड़कियां होती हैं जो काम के प्रति मतलब जिनकी डिजायर या जो उनकी उत्तेजना है वो बहुत ज्यादा होती है वो वो किसी शांत इंसान से कम, वो नहीं कर सकती संभोग नहीं कर सकती उनसे इंटीमेसी नहीं रख सकती पॉसिबल ही नहीं है पर वाक्सायन जी ने लिखा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कहीं कहीं पे होता है मान लो उनका जो काम है वो एक ही तरीके से केंद्रित है तो उनका शरीर भी हो जाएगा धीरे धीरे बस उनको टाइम देना पड़ेगा हाँ। तो मतलब कॉन्सेप्ट मतलब है कि ऐसा ऐसा तो, तो काम सूत्र में जो मैं चीजें हैं वो ये सब है की मतलब लड़कियों को कैसा होना चाहिए अच्छा। या अगर कोई कैसा है तो उसको कैसा हो सकता है कि वो दूसरे के हिसाब से ढल जाए अच्छा उसमें ये भी मेंशन है मतलब उसके अभी अगर आप देखोगे तो सात सेक्शन है अलग अलग काम सूत्र के अंदर विषय सूची जो होती है सात टॉपिक्स हैं वो डिवाइडेड है वो okay. क्या है हम जरूर बताएंगे लेकिन आ, जो टॉपिक है एक टॉपिक है उसमें साउंड के ऊपर कुछ टॉपिक है उसमें साइंस के ऊपर कि जो हम लोग साइंस बनाते हैं और बाइटिंग exactly. तो 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 अब आप सक... ना तो ये सारे पॉइंट कामसूत्र के अंदर बड़े क्लासिक वे में ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ बहुत अलग लिखा हुआ है जो कभी आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है मेरा ये मानना है सपोज आप एक कदम चल रहे हो बट आपको पता नहीं आगे क्या है अगर एक किताब में मेंशन है तो आप दूसरा कदम चलने की कोशिश करोगे बिल्कुल ये वो वाला हाल है इसमें की कामसूत्र में जो लिखा है बहुत सारे लोग उसको करने की कोशिश जरूर करेंगे शायद मेरा ऐसा मानना है कि ये ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा टॉपिक है कामसूत्र सूत्र जिसके बारे में आज के लोगों को पता होना बहुत जरूरी है और इसके बारे में अगर ठीक से नॉलेज हो गई तो जहां तक मुझे लगता है कि रिश्तों में और इमोशंस में ज्यादा दरार नहीं आएगी सेक्स बिफोर मैरिज ये आज भी एक टैबू है इंडिया में okay. अभी भी ऐसा कल्चर है बहुत जगह जहाँ पे न्यूली मैरिड कपल जैसे एक सुहागरात होता है तो व्हाइट बेडशीट बिछा दी जाती है कि ब्लड ड्रॉप आए तो पता चले कि वर्जिन है कि नहीं है लड़की तो ये बहुत टाइम से हो रहा है शायद इंडिया में फेक भी इनफैक्ट अभी जो होते हैं कि लड़के डर से आ, या शेम से या से जो भी है शादी हो उसके बारे से फेक हाइमेंस का भी बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे एप है इनफैक्ट बहुत सारे स्टोर हाइम जो जो और ये फेक ब्लड ड्रॉप ये सब प्रोवाइड करते हैं ये शेम और गिल्ड से बचने के लिए तो जो अभी ऐसा चलता आ रहा है ये पहले भी ऐसा था मतलब मेरा ऐसा मानना है की पहले तो खैर इतना ज्यादा संसाधन नहीं थे की फेक हाइमन बना लो या इतनी जल्दी से कुछ तुम चीजें बना सकते हो पर हां पहले के लोग कह सकते हैं स्मार्ट बहुत है। चीजों को लेकर तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि जैसे कामसूत्र जो लिखी गई है एक तरीके से तो उसमें इतना इनडेप्थ लिखा गया है कि तुमको आजकल ये फेक हाइमन और ये सब करने का जरूरत ही नहीं है मतलब तो मेरा उस टाइम क्या सलूशन होता था उस का? सलूशन तो सोल्यूशन मतलब ऐसा तो कुछ होता भी नहीं था कि फेक हाइमन बनाने की जरूरत पड़े किसी को अच्छा। या कुछ ऐसा क्योंकि तो वहाँ पे ओपननेस बहुत था पहले जमाने में नॉट एग्जैक्टली ओपननेस वो लोग कह सकते हैं की बहुत ज्यादा निपुण होते वही वाला है काम कलाओं में निपुण होते थे अच्छा तो कभी किसी को अगर वहाँ पे ब्लड भी आ रहा है ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उनके दिमाग में वो अंडरस्टैंडिंग है या फिर जब वो लोग इंटीमेट हो रहे हैं या सेक्स कर, रहे हैं, intercourse कर रहे हैं तो उनको मतलब section है तो एक सेक्शन है वो सेक्शन है ना सिर्फ ग्राफिटी के ऊपर मतलब जो आसपास की जो चीजें होती हैं अच्छा वो उसके ऊपर सेक्शन है तो होता ये था कि जब कभी सेक्स होता था किसी के साथ या फिर कुछ ऐसा कोई इंटरकोर्स कर रहा है उदाहरण के तौर पर तो वो आसपास का एम्बियंस इतना क्लासिक हो, हो जाता था कि इंसान ज्यादा फिर मतलब नीचे क्या हो रहा है साइड में क्या हो रहा है वो सब देखता ही नहीं था मतलब पहले भी लोगों में फैंटेसीज थी ऐसे फैंटेसीज तो मतलब अब खैर मैं वही बता रहा हूँ आपको जब आप इन डेप्थ इसकी हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आजकल की फैंटेसीज ना कुछ नहीं है अच्छा मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आजकल जो भी फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे या जो भी मूवीज में थ्री सिक्सटी फाइव में दिखा दिया जाता है तो वो सब सिर्फ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कामसूत्र का पॉइंट वन परसेंट भी नहीं मतलब इतने क्रिएटिव थे उस टाइम इतने क्रिएटिव थे वो लोग सिर्फ मैं आपको बताता हूँ वो लोग अब जैसे अभी क्या है ना अभी बहुत एक्सटर्नल संसाधन उपलब्ध है ठीक है वाइब्रेटर्स वगैरह बहुत सारी चीजें मौजूद हैं चीजों को करने के लिए पर उस टाइम पे उस टाइम पे भी थे चीजें पर अच्छा। वो लोग खुद को ज्यादा प्रेफर करते थे तो वो लोग पहले इंटीमेसी को बस बच्चा पैदा ना करना। exactly. मतलब like लोग... Pleasure, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए सूत्र इज ऑफ प्लेजर नॉट आर्ट ऑफ सेक्स सिर्फ सेक्स नहीं करना है उसमें जाके hmm. मतलब आजकल के लोग मैं आपको बताता हूँ जब हम लोग अभी थोड़े दिन पहले की बात है तो मेरा एक दोस्त गया था खजुराहो है। अच्छा। अब वो, तो में है। हाँ, में वो अपना गया और वो लगा कि अरे अर्ष जी इतनी, इतनी पोजीशंस थी ऐसा ऐसा ये था हाँ। तो मैंने ये भी पार्ट है कामसूत्र भी एक तो कह सकते हैं कि जो हमारे पुराण है जो हमारे साहित्य है उसका पार्ट है तो मैंने उनको बताया कि तुम जो देखने गए वहाँ पर वो एक्चुअली वैसा है नहीं अच्छा कामसूत्र में जिस तरह के चित्रों का वर्णन है उदाहरण के तौर पर वैसे ही शायद मान लो चित्रों का वर्णन खजुराहो में भी है ठीक है अच्छा लेकिन एक फर्क है फर्क ये है कि खजुराहो में लोग जाते हैं पोजीशंस देखने लेकिन वहां पर पोजीशंस वाली मूर्तियां सिर्फ कुछ हैं बाकी सब मूर्तियां आप देखेंगे ना तो अलग अलग जेस्टर मुद्राओं में है एक चीज जो तो सबसे ज्यादा अलग है वो है उनके बाल पता अच्छा। नहीं कितने लोग नोटिस करते हैं पर काम सूत्र में बालों को अलग अलग ढंग से बनाने का भी विवरण है विवरण बता रहा हूँ एक पॉइंट नहीं है अच्छा एक टॉपिक है उसके अंदर विवरण है ऐसा तो बाल को किस तरह से बनाओगे तो सामने वाला किस तरह से एक्साइट होगा या फिर, तो फिर तो मतलब तो मतलब अच्छा। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये मतलब है। तो अभी के लोग सिर्फ कैटेगरी हो गए एकदम कि यार अब ये चीज शुरू हुई तो सेक्स पे खत्म हो जाएगी इसीलिए शायद आजकल जो खजुराओं में लोग जाते हैं वो लोग यही देखते हैं कि अरे ये तो सेक्स कर रहा है ये, तो ये पोजीशन है वो पोजीशन है बट राधा दिन उसकी खूबसूरती देखो लोग तो क्यूरियस हैं आज कर, सब ही आजकल सबको बिल्कुल जैसे आजकल की टीनेज जो जितने भी जनरेशन है इतने क्यूरियस हैं हैं के क्या आप बोल रहे ओके ये सारी जनरेशन पूरी क्यूरियस है तो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए ये थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि ये टीन एज सेक्स और ये ये तो ये सब तो आपके हिसाब से है तो बहुत आज के टाइम हाँ इसी वजह से जो वो जो बोलते हैं कि टीन एज एक ऐसा फेस आता है कि मतलब बोलते हैं कि माँ बाप से बात नहीं करते और ये सब समझते नहीं है जो आप वो बोलना चाहते हैं वो बच्चे नहीं समझ पाते जो बच्चे बोलते हैं वो माँ बाप नहीं समझ पाते हैं तो ये थोड़ा टेंशन रहता है उनके बीच में तो आपके हिसाब से एक करेक्ट एज क्या होनी चाहिए एक सेक्स के लिए या कोई इंटीमेट होने के लिए मतलब कामसूत्र में कुछ उसके बारे में इसका वर्णन किया बिल्कुल है बिल्कुल उसका वर्णन बहुत ज्यादा है उसमें और एक जैसे आइडियल एज बताई गई है उसमें पहले तो देखिए बहुत सारी अलग-अलग कामसूत्र हैं जो कामसूत्र आ, अब कौन किसको मानता है एग्जैक्ट ओरिजिनल वो किसी को नहीं पता कहीं पर तेरा लिखी हुई है कहीं-कहीं अच्छा। पर जब लड़की के पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद से लिखी हुई है आइडियल एज

हाँ कह सकते हो इनफैक्ट पढ़ाया जाता था मतलब तो आज की डेट में तो मुझे अब धीरे धीरे शायद कहीं किसी किसी स्कूल्स में आ रहा होगा पर मैंने आज तक कभी किसी स्कूल में ऐसे नहीं सुना कि जब मेरे टाइम के स्कूल हो रहे थे तो वहाँ पे कभी नहीं सुना कि कामसूत्र एक सब्जेक्ट है इनफैक्ट मैं जब आ, स्कूल में थी जब मैं सिक्स क्लास में थी तो उस टाइम भी पीरियड्स के बारे में बताने के लिए और जो बॉडी डेवलपमेंट होता है फीमेल्स का जो फीमेल टीचर्स थी वही आई थी बस और जितने भी लड़कियां थी उनको लेकर के अलग एक लड़कियों के तुम बाहर निकाल तुम जान के क्या अच्छा, करोगे तुम्हारी तो नॉलेज की कोई बात है ही नहीं बस एकदम लड़कियों को अलग बिठा करके उसके बाद पूरा उसके ऊपर बताया गया था तो कभी आप लोगों को जैसे कोई दिक्कत होती थी तो फिर आप लोग क्या करते थे जब कभी स्कूल्स की दिक्कत हो गई या फिर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बेसिकली मतलब वो फिर अकेले में ही ले जाके समझाते थे या फिर Uh, सभी को नॉलेज मिले ऐसा नहीं उस टाइम पे ऐसा था कि जो उस टाइम पे हम तो किसी से इतना खुल के बात नहीं कर सकते थे तो हमारे जो मम्मी होती थी वही बताती थी और थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ रह करके पता चल जाता था और हम स्कूल में रहते थे तो हम ज्यादा कम्फर्टेबल थे अपने दोस्तों से ये बात शेयर, शेयर करने में कोई फीमेल टीचर जी वो उस टाइम में भी थोड़ा जजी और वो सब हो जाते हैं इनफेक्ट मैं अभी कुछ टाइम पहले का इंसिडेंट बताती हूँ मैं एक फेस्ट में गई थी वहाँ पे मतलब पता नहीं उनका क्या रूल था मुझे समझ नहीं आया उन्होंने एक आठ दिया और फीमेल और मेल्स को उनका तो अलग ही था बट फीमेल्स को ना बैरिकेड के अंदर कर दिया और वहाँ पे वो बोली कि अभी नहीं एक घंटे बाद आप जा सकते हो क्योंकि जो मेन गेस्ट था वो आ रहा था उसके लिए एक पैसेज बनाना था okay. और मैं वहाँ पे छह बजे से थी और आठ बजे बैरिकेड लगा दिया बोला कि नौ बजे तक खोल देंगे और मुझे कहीं ना कहीं ये फील होने लग गया कि शायद मेरे पीरियड्स आ रहे वो हो हो जाता है सिक्स सेंस अगर कहीं आप पब्लिक में तो में तो और मेरे डेट्स भी आसपास थे मैंने वहाँ पे एक टीचर ही थी पता है वो एक कॉलेज uh, फेस्ट ही था वहाँ पे टीचर थी मैंने उनको बोला कि मैम uh, मेरे को लग रहा है कि ऐसे कि मेरे पीरियड्स आ रहे हैं मुझे बस वॉशरूम यूज करना है आप जाने दोगे वो बोल रहे की आर अ ग्रोन अप गर्ल डोंट मेक एक्सक्यूजेस लाइक दिस यू कैन हैंडल इट मैं ये कैसे हैंडल करूँ आप ये बताओ जी बिल्कुल मतलब मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि अभी क्या है ना कि अभी बहुत क्योंकि संसाधन ज़्यादा उपलब्ध हैं हैं सारी चीज़ें मिल रही अपने को और ऐसा टू तो ऐसा है कुछ हाँ एग्जैक्टली लेकिन पहले के टाइम पे चूंकि ये ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आपको ऐसा लग रहा है लेकिन सामने वाला बिलीव नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा भी होता था पहले के टाइम पे की लड़कियां इतनी निपुण होती थी क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ रखी होती है हाँ। तो इतनी निपुण होती थी कि वो लोग क्या काम करती थी खुद से प्रेशर पॉइंट समझ लेती थी, थी अच्छा ऐसा भी कुछ होता है हजारों प्रेशर पॉइंट होते हैं अच्छा। कई सारी चीजें ये एक अलग चीज है ठीक है ये एक बिंदु विज्ञान और मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत आता है वो एक अलग टॉपिक है उसका भी अध्ययन करती थी वो लोग ऐसा नहीं की वो लोग नहीं करती थी तो उसके अध्ययन से क्या होता था लेट सपोज आपके एबडोम एरिया में दर्द हो रहा है ठीक है

जितना मैं सिर्फ एक किताब को नहीं बोल रहा हूँ कामसूत्र के अलावा कई किताबें हैं अच्छा। लोगों ने आज तक सिर्फ कामसूत्र सुन रखा है पर कामसूत्र के अलावा बहुत किताबें हैं बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जिसमें आर्ट ऑफ सेक्स नहीं आर्ट ऑफ प्लेजर मेंशन है बहुत अच्छे तरीके से मैं कुछ दिन पहले की बात आपको बताता हूँ मैं स्टेशन पे था और आजमगढ़ गया हुआ था मेरी बुआ रहती हूँ अच्छा तो वहाँ पर अच्छा स्टेशन पर ना मैं बुक तलाशता हूँ कि कोई किताब मिल जाए मुझे ऐसा करके तो मैंने एक किताब देखी उसमें लिखा था सेक्स ज्ञान अच्छा आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में लगी हा, रहती हा, है ऐसी किताबें तो प्लेटफॉर्म पे था मैंने ले ली वो किताब खरीद ली मुझे लगा कुछ होगा उसमें जब मैं उसको ओपन करके पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ और ही अलग तरीके से मेंशन है मैं सेक्स ऐसे नहीं होना चाहिए अगर ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा मतलब आपकी मौत भी हो सकती है क्या क्या लिखा हुआ था कि आप किसी पर्टिकुलर चीजों को लेकर अगर वाइग्रा लेते हैं तो कितना नुकसान है खैर है सब कुछ ठीक है लेकिन उसमें कोई नॉलेज नहीं थी मैं ये अगर आप ये कहो कि उसमें एक ज्ञान था कि आखिर इससे क्या होता है उससे क्या होता है वो सब नहीं आजकल की जितनी किताबें मैं देख रहा हूं कोई कुछ भी लिख रहा है वो उसमें कोई कुछ भी लिख रहा है मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा जो मुझे फर्क दिखा है वो तो ये कि पहले के टाइम पे उदाहरण के तौर पे अगर आपको क्रिकेट खेलना है हाँ। तो पहले के टाइम पे एक्सप्लेन किया जाता था कि यू नो ये ये है ये ऐसा है वो ऐसा है है ना ये बॉलर है वो विकेट कीपर है ये पिच है ऐसा करके सबके बारे में थ्योरी थी एक्टली exactly, मतलब काम सूत्र सूत्र सबके बारे में सूत्र थे फॉर्मूलाज अच्छा। थे मतलब ये है पहले के टाइम पे मेरी फिजिक्स की जो बुक होती थी वो एक छह बुक होती थी और उन छह में छह की छह एकदम तीन सौ पेज की उनको पढ़ो बैठ के क्या है फिजिक्स की एक बुक केमिस्ट्री हाँ, की एक जी का पता नहीं मुझे ज्यादा मैं स्टूडेंट रहा नहीं तो अब आप ये देख लो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है नॉलेज में इंफॉर्मेशन में और उस हिसाब से मेरे हिसाब से लोगों का माइंड सेट भी चेंज हो रहा है तो पहले के टाइम पे जब बात हम करते हैं सेक्स जैसे मैंने क्रिकेट बोला तो हाँ। अंदर की सारी चीजें पता है अभी तो एक अलग चीज है दिमाग में एक आउटलेट बना हुआ है कि एक लड़का एक लड़की मिलेंगे किस होगा ओरल होगा उसके बाद सेक्स हो जाएगा ओरल तो खैर बहुत दूर की बात है सीधा सेक्स हो जाएगा मेरे नॉलेज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियां हैं और जो कहती हैं कि मतलब उनके जो बॉयफ्रेंड्स uh, रहे हैं या फिर जो जो भी इंसान रहा है उनकी जिंदगी में uh, कई बार ऐसे भी नौसीखिए रहे हैं जो मतलब जिनको कुछ नहीं बस केवल सेक्स करना है और ये बहुत गंदा है मतलब उनके लिए बहुत पेनफुल है तो हाँ, ऐसे भी आ, मेरे भी कुछ एक्वेंटेंसेज हैं जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस है की उनके बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा वाइल्ड है मतलब एक तरीके हाँ, एक तरीके एक तरीके एक तरीके है है ठीक मतलब है इमोशनली अनबल है सिर्फ इमोशनल बॉन्ड नहीं हाँ है, तभी कॉल करते हैं तभी बात करते हैं जब उनको इंटीमेट होना होता है जी, जी, और कभी कोई प्रॉब्लम में या कुछ बात सुनने के लिए कभी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ऐसे बहुत सारी लड़के हो गए सॉरी टू से इस तरह के लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पर टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ पर सॉरी टू हैव सेक्स तुम्हें उसके चरण पता होने चाहिए अब ऐसा है कि क्या है ये एक बहुत गहरा टॉपिक है कि एक्चुअल में ये स्टेप क्या है ये कोई नहीं बता पाएगा अच्छा। पर शुरुआत इज्जत से होती है तो जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा है जो मतलब कहीं पर भी बिना ज्ञान के वही ना अधूरा ज्ञान बेसिकली

विज्ञान का मतलब क्या है मतलब अगर हम इस माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर हम लेट सपोज एट में अपने को डाल रहे हैं तो आर कि पहले हमको एडिट करना है फिर प्रोड्यूस करना है फिर फिर उसके बाद एक लाइन अप करना है फिर उसको अपलोड करने के लिए छोड़ना है एक सर्टेन टाइम के बाद वो हो जाएगा हाँ। ऐसा तो है नहीं कि अब अभी हमने रिकॉर्ड करा इधर से डाला वो हो गया हो गया ऐसा कभी नहीं होता है तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि तब और अब काम सूत्र में सूत्र भी छोड़ दीजिए तब और अब के काम कला में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और मेरा ऐसा मानना है कि जब इन डिफरेंसेस को हम समझेंगे तो जाके हमें समझ में आएगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं Age. बात करते हैं मैस्ट्रोबेशन पे ओके। okay. मैस्ट्रोबेशन बहुत ही कॉमन है सब करते हैं सब ने कभी ना कभी किया ही होगा अपनी लाइफ कुछ में कुछ करते हैं लेकिन कुछ छुपा लेते हैं कुछ छुपा लेते हैं।, हैं बहुत मेजरली ही छुपाती है मतलब ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा कि टू गर्ल्स मास्टर लड़कियां मना करती है बहुत लड़कियां ओपनली एक्सेप्ट करती है अच्छा ऐसा भी है कि लड़कियां छुपाती हैं इसको बहुत ज्यादा हाँ, पता नहीं मतलब शेम या फिर क्या सोचेगा जज हो गई तो इसीलिए ये छुपाती ओके। तो लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो ओपनली एक्सेप्ट करती है नॉर्मलाइज हो रही है अभी भी चीज है तो आपके हिसाब से मास्टरबेशन क्या है क्या कामा में मास्टरबेशन हस्त बारे में कुछ लिखा हुआ है हाँ मतलब वो तो पूरा चैप्टर ही है जब बालों के बारे में लिखा है के बारे में लिखा है तो अच्छा आ, obvious है कि, हस्त तो एक ऐसा टॉपिक है मैथुन तो एक ऐसा टॉपिक है जो आ, है उसमें बहुत ज़्यादा और ऋषि अच्छा ऐसा भी, लिखा है। बिल्कुल, ऐसा भी है, लेकिन वात्सायन ने नहीं बोला ऐसा अच्छा। मैं वातसायन जी पे भी आऊंगा किसी ने ऐसा बोला है कि आपको बिल्कुल एक बार करना चाहिए फिर आपको महीने भर का गैप ले लेना चाहिए

जो मेल होते हैं मैं उनकी बात पहले करता हूँ ठीक okay. है तो फिर उनको अपने आप उनका पेनिस जो है वो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन स्पीड बढ़ जाती है इरेक्ट है? हो जाता है वो एकदम exactly, तो हो जाते हैं सारे बस तो ये जो चीजें हैं ना इन सबसे कहीं ना कहीं फिर उसको प्लेजर चाहिए ये एक ह्यूमन तंत्र है एक मैकेनिज्म है प्रॉपर जिसको करना ही करना है मतलब अब मेरी बातें शायद बहुत लोग सुन के करेंगे पर हेल्दी है आप ये करना कहना चाहिए। चाहिए। मेरा ऐसा मानना तो है तो आपको क्या लगता है कि कितना करना चाहिए मतलब अब देखो कितना करना चाहिए पहली बात तो लोग करते नहीं है बहुत कम जो होते हैं जो मेरा ऐसा मानना है अभी तो खैर बहुत लोग करने लगे होंगे पहले तो अभी आज से कुछ समय पहले ये सब बहुत ज्यादा वो था की यार अरे मास्टरबेशन का नाम ही नहीं आता था कहीं पे मैंने खुद इसका नाम बहुत टाइम बाद सुना था लोगों से और जब मैं करीब पंद्रह सोलह साल तक पहुंचा हूं तब मैंने सुना है मैंने खुद मैं हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में थी मैं जी मैं बाहर थी घर से मैं पढ़ रही थी तब मैंने गर्ल्स हॉस्टल में पहली बार सीनियर्स थी कुछ आ, मेरे से दीदी थी उन्होंने बताया था कि उन्होंने कोई एक स्टोरी बताई थी मुझे कि एक न्यूज में आया था वहाँ पे की एक लड़की मैस्टेशन कर रही थी और उस कोको कोला की बॉटल होती है ना जी उससे कर रही थी और वो जो बॉटल होती है वो उसकी वजाइना में अटक गई ठीक है तो वो केस आया था तो उन्होंने मुझे बताया था की मतलब बैठे हुए थे मेरे रूम पे बहुत

आप नहीं करोगे तो हो वो वैसे भी जाएगा को स्वप्न दोष जिसको बोलते हैं no और मैं आपको बता दूं कैसे नहीं करती है सो uh, so, जब आपको इन सब के बारे में पता होगा जब आप एक लिमिटेड वे में एक सटल वे में एक्चुअल में सेल्फ प्लेजर देंगे ये नहीं की आपने अपना पेनिस को निकाला और उसके बाद आप मतलब रेडी हो गए बस केवल चालू हो गए ऐसे नहीं मिलेगा आपको प्लेजर अच्छा ये सेल्फ प्लेजर हो ही नहीं सकता मैं इसको मानता ही नहीं हूँ जब हम लोग बात करते हैं हस्त मैथुन की तो मैथुन के लिए भी अब क्या है ना कि एक तो पॉन ने बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है लोगों को बहुत ज्यादा। हाँ, पॉन कल्चर सही में गुड थिंग लेकिन लेकिन कुछ अच्छी है जब आप यू नो उससे कुछ गेन कर रहे हो ऐसा हाँ। नहीं कि आपने हु बहु आप करने की कोशिश कर रहे हैं पौन तो कभी रियल है ही नहीं मतलब ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है exactly, रियल में। मतलब देर आर पीपल जो uh, हु करने की कोशिश करते हैं हाँ। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जनरली लोग अभी से हाँ जनरली लोग पौन से ही पहले सीखते हैं समझते हैं की होता क्या एग्जैक्टली अभी अभी ये जो आपने केस बताया मेरे को उसमें उसकी जो बोटल थी वो वहाँ पे थी देर आर पीपल जो ऐसा करते हैं देर आर पीपल जो इससे भी ज्यादा करते हैं नॉलेज नहीं होगा तो फिर क्यूरियस माइंड नहीं होगा ऑल्सो की uh, see, बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों को डिस्कलोज नहीं है कि हमारी वजाइना कितनी ज्यादा यू नो गहरी हो सकती है या होती है या हम किस टाइप की लड़की हैं ऐसा भी पॉसिबल होता है अच्छा। मैं आपको बताऊंगा देर आर सर्टेन टाइप ऑफ गर्ल्स जिनकी सर्टेन टाइप ऑफ वजाइना की गहराई होती है अच्छा। इसी तरीके से देर आर सर्टेन टाइप ऑफ बॉयज उनके सर्टेन टाइप ऑफ साइजेस होते हैं तो ये भी में लिखा हुआ बहुत क्लियरली मैं ऐसा ऐसा और उसमें सबके बारे में हर एक नाम मेंशन है अच्छा जी बिल्कुल मतलब देखिए नाम उनके ऐसे हैं ना कि बड़े अजीब से कोई हस्तिनी है कोई पद्मिनी है अच्छा। इस तरह से अलग अलग नाम है उन लड़कियों के okay? फिर हम बताएंगे जरूर लेकिन फिलहाल अभी मास्टर बेचन पे रहते हैं तो अभी जैसे आपने बताया कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ पहले के टाइम पे ये सब नहीं होता था पहले मतलब पता होता था लोगों को। एक्जैक्टली उनको पता होता था कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है या अच्छा। फिर अगर हम मास्टर बेट कर भी रहे हैं जिन्होंने कामसूत्र या फिर जिन्होंने रति शास्त्र हाँ। जिन्होंने नागर सरोसम जिन्होंने कोई भी बुक पढ़ी है बेसिकली हुँ, हुँ। तो उनको पता होता है कि एक्चुअली मैं किस टाइप की लड़की हूँ मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली और मुझे कितना करना चाहिए तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब बुक्स पढ़ के या फिर ये नॉलेज गेन करके हम मतलब हाउ टू हैव सेल्फ प्लेजर खुद के बारे में जानना कि वट गिवज यू प्लेजर और वो चीज आप जान सकते हो हाँ मतलब देखिये ऐसा है मैं ये नहीं कर रहा हूँ पढ़ो कोई मैं बस अपना एक टेक दे रहा हूँ ठीक है वो मेरा टेक ये है की उसमें ये सब चीजें मैंशन है उसमें चीजों के बारे में बताया गया है एक लड़का वो मास्टरबेट करता है और बहुत बहुत एक्सेसिव वे में करता चला जाता है ठीक है ये, ये, भी एक एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन बहुत गंदा ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल लोगों में जी मतलब कॉमन तो है उसी के साथ साथ बहुत गंदा भी है हाँ मेरा एक दोस्त था जब मैं अपने, अपने कॉलेज फेज में थी तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी एक्चुअली लड़की थी उसका बॉयफ्रेंड ठीक है उसको बहुत ही गंदा एडिक्शन था मैस्ट्रोबेशन का मतलब उसको दिन में एक बार मतलब करना ही था नहीं तो पता मतलब क्या होता था उसने बताया, ये किया है हमारे साथ मतलब उसका, मतलब उसने तो नहीं बताया उसकी गर्लफ्रेंड वो मेरी दोस्ती okay. कि वो ना उसका जो है वो अप हो जाता है अगर वो नहीं करता है okay. दिन में एक बार तो मतलब उसको इतना एडिक्शन हो गया था इतना वो करता था मैस्टरबेट तो वो उसको एक दिक्कत आ गई थी तो ये भी एक कोई साइकोलॉजी है बिहाइंड मास्टरबेशन की लोग क्यों करते हैं रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं आप कुछ भी करते हैं हाँ। उदाहरण के तौर पे गांव में रिसोर्सेज कम है तो कुछ ना कुछ करके ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है ये मेंटेलिटी की बात है टेलीविजन नहीं, नहीं, तो नहीं है तो वहाँ चेंज हो जाती है पूरी पूरी अलग रहती है वैसी साइकी शहर वालों की नहीं होती है वो लोग इजिली एक्सेस कर लेते हैं देख लेते हैं समझ लेते हैं उनको आ जाता समझ यही वाली चीज वहां करेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या ये कैसे कर दिया तुमने तो मेरे हिसाब से लैक ऑफ नॉलेज जो होता है ना मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सबसे सब लोग पढ़ो इट्स उनका ओपिनियन है उनको पढ़ना है नहीं पढ़ना है काम शास्त्र या इन चीजों के बारे में लेकिन ये मेरा अपना टेक है कि जब मैंने पढ़ा जब मैंने जाना इन सब चीजों के बारे में तो ये समझ में आया कि लैक ऑफ नॉलेज कितनी होती है पहले से ही और उसके बाद जब ये सब नहीं होता है तो और भी ज्यादा चीजें होती है अब देखिये जैसे मास्टरबेशन है जो नहीं करता है बहुत ज्यादा ऐसा भी कहते हैं कि यू नो रात में अब वो नाइटफॉल हो गया अब वो डॉक्टर के पास चले गए उसको कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर ने कुछ कंट्रोल करने की चीजें बताई कुछ ऐसा ऐसा बताया बोला कि तुम इतने इतने टाइम पर जाके फ्रेश हो लो वॉशरूम हो लो अब वो जाके टॉयलेट चला गया उसको थोड़ा सा शांत हो गया क्योंकि दो छोटी छोटी बदली बतली नली होती है एक जिसके थ्रू हमारा यू नो टॉयलेट आता और एक जिसके थ्रू स्पर्म बाहर आता है हाँ। लड़कियों की तंत्र जो है वो बिल्कुल अलग है लड़कियों में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनको खुद को नहीं पता होती हैं कि मैं मास्टरबेशन कैसे कर पाऊंगी हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है राइट right. क्योंकि लड़कियां बहुत, बहुत कम लड़किया मास्टरबेट तो करती तो है मतलब कि मैं लड़की का अप कर सकू लड़कों में क्या आएगा ना की उनका बस केवल उनको पता है की उनका पेनिस है और उसको उन्हें किसी तरीके से मतलब या कुछ भी करना है तो उससे वो इजेकुलेशन हो जाएगा पर जब बात आती है लड़कियों की मैं इसीलिए बोलता हूँ कि शरीर के तंत्र को समझना बहुत बड़ी चीज होती है तंत्र हमारा जो है पूरा पूरा बॉडी का कि काम कैसे करता है उदाहरण के तौर पर अब एक लड़की को अगर मास्टरबेट करना होगा और उसे कुछ नहीं पता है वो तो तरीके ढूंढेगी ना मतलब तरीके भी नहीं ढूंढती तो समाज में तो रहेगी उसको चीजें तो पता चलेंगी ना कहीं ना हाँ। कहीं से। फिर वो ट्राई करेगी और ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है कि मैंने सुना है किसी इंसान से और बहुत करीब था वो मेरा इंसान तो उसने बोला कि जब मैंने पहली बार मास्टरबेट किया ना तो मुझे पता ही नहीं था कि ये मास्टरबेट हो रहा है मैंने सुना था किसी से मैंने वैसा ट्राई किया पर हुआ नहीं हाँ ये भी एक सवाल रहता है क्यूँकी लड़कियां जनरली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हां सुन तो लेती है शायद कर भी लेती है Mm -hmm. कि हाँ चलो हाँ इसने भी कर लिया उसने भी कर लिया मैं भी करके देखती हूँ की है क्या okay. होता क्या है इससे कर भी लेती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता उनकी बॉडी के बारे में हर लड़की जैसे अलग है सबका अलग अलग तरीका होता है कुछ करने का यू यूनो दे से दुमन्स बॉडी इज अ टेम्पल तो सबका अपना, अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है बिना अपने आपको एक्सप्लोर किए बस पियोर प्रेशर में कर लेती है देखने के लिए और फिर करके फिर वो जब सही से होता नहीं है तो फिर सोचती है क्या था ये मतलब तो अगर थीक मैं पूछूं ऐसे पहला पेला... तो एक्सपीरियंस मैक्सिमम लड़कियों का डिसपॉइंटमेंट ही होता है तो मास्टरबेशन तो अगर मैं पूछूं कि आप बीइंग अ वुमेन मतलब आपने जब ऐसा किया आपका जब पहला एक्सपीरियंस था तो व्हाट वाज दैट वो क्या था क्योंकि अ, अगर उस साइकी को एक लड़की समझाएगी या लड़की के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आए मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था मैंने करा मुझे पता था कि क्या होता है मुझे भी पता था कि कैसे करते हैं तो मैंने करा पहले मुझे हाँ मतलब फील हुआ मतलब आई समथिंग बॉडी ठीक है है okay. कुछ फील हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है हुँ. लेकिन वो था ना सेटिस्फेक्शन एकदम की, जो लोगों ने बोल रखा था कि करके एक बार पता चलेगा क्या होता है आहा. वैसा कोई फील नहीं आया ओके okay. मतलब ये मोस्टली मैंने सुना है की बहुत सारे लोगों में ये ऐसा नहीं होता लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ की आर मैं आपको बताऊँ कितना सोलह तरीके अलग अलग सेल्फ प्लेजर्स के मेंशन है अच्छा ऐसा नहीं है कि एक ही चीज करके तुम शांत हो जाओगे देर आर मल्टीपल कामसूत्र देर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ कामसूत्र, जो नंदी भगवान ने लिखे या जो आगे जाके वाप्रव्य ने उसको करेक्ट किया है तो उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे तरीके दिखे हुए बहुत अजीब अजीब से तरीके मतलब मैंने तो मैं लड़की हूँ नहीं तो मुझे पता नहीं पर हाँ लड़कों के भी तरीके लिखे हुए हैं अलग अलग अच्छा ठीक है हाँ ये बहुत क्लियर है की ऐसा कुछ नहीं की तुम लड़की हो या लड़के एक प्लेजर्स की टेक्निक होती है जहा अच्छा। तक मेरा ऐसा मानना है तो uh, मेन एंड है थोड़ा इनडेप्थ इसके बारे में बताता हूँ कि जो भी स्किन हमारी पेनिस की होती है ना फोर स्किन जो होती है वही स्किन आपके क्लेटरिस की होती है okay. वही स्किन गर्ल्स के क्लेटरिस की होती है ये वही काम करता है सेम देर आर नो प्लेजर इन साइड अंदर कुछ नहीं है अच्छा आपका जो प्लेजर आता है जो मेरे हिसाब से मानना है मेरा टेक है 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 कि कि वो प्लेजर ऊपर क्लिट क्लिट पे है, सबसे ज्यादा लोग बहुत बहुत सारी बात करते हैं यू नो क्लिट के अलावा भी बहुत कुछ है, जी जिसके बारे में जरूर बात करेंगे लेकिन मेरा ऐसा मानना है की जी स्पॉट एक मिथ है अच्छा वो अभी रिसेंट की बहुत सारी किताबों में आपको मिल भी जाएगा दूसरा की जब मास्टरबेट करती हैं लड़कियां उन चीजों को समझने के लिए मैं उस समय पे बताता हूँ वो लोग ना मतलब अब मुझे नहीं पता आज के लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं पर उस समय पर लोग एक एटमोस्फियर बनाते थे ऐसा अच्छा। कहते हैं कि अगर आप एटमोसफेयर के अंदर मासुबेशन को परफॉर्म करने की ट्राई करते हैं एक तरीके से कोशिश करते हैं ठीक है तो हर तरह के एटमोसफेयर का मास्टरबेशन अलग होता है अच्छा उसका प्लेजर और वो प्लेजर सब... तो 99% अलग ही होता है लेकिन हर तरह के एटमोस देखिए एटमोस्फेयर बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है तो जितने भी टॉपिक हम बताएंगे उन सब में एटमोसफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा। तो जो मास्टरबेशन है यदि आप एकदम अजीब सी जगह पे बैठ के कर रहे हैं आप छुपके कर रहे हैं देर इज अ पॉइंट जब छोटे में इंसान होता है उसको पता चलता है नया नया वो छुप के करता है स्ट्रेस में करता है वो स्ट्रेस है दिमाग में स्ट्रेस है आप कर दे रहे हो तो यू कैंट फील द रियल You know, क्या है उसका प्लेजर एक्चुअली मास्टरबेशन क्या है पर वहीं पर जब आप अकेले हो आप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कभी ऐसा भी फील होता है कि यू you नो know, आप पूरे-पूरे घर -पूरे में अकेले हो आप उस मोमेंट को जी रहे हो वो इंसान सामने खड़ा हुआ है बेसिकली ऐसा भी होता है ये सभी के साथ होता है ये बहुत कॉमन कॉमन से बिहेवियर है तो इसीलिए कहते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर का इतना फर्क पड़ता है कि एक इंसान जिसको कह सकते हैं कि जिसका इरेक्शन नहीं होता था जो सही से इरेक्ट नहीं हो पाता था उदाहरण हाँ। तो के तौर पे वो एक एटमॉस्फेयर में आने के बाद हो गया और अच्छा, अच्छे से गया। गया भी देखा है है और सोच सोच मतलब मास्टरबेशन में सबसे ज्यादा रखती है, सोच, जो कि तब भी वैलिड थी अब भी वैलिड है तो मतलब इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी मतलब ट्रीट करने का एक वे है अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखो ऐसा है ना कि शीघ्र पतन बेसिकली जिसको बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है वो बहुत ज्यादा एक एक में ये भी है कि बहुत ज्यादा आप मास्टरबेशन करोगे तो ऐसा होने लगेगा अच्छा एरटाइल हाँ। डिस्कशन हो जाता है ये मेल्स में बहुत ज्यादा है और फीमेल का ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा मासेबेशन करोगे तो चेहरे पे दाने आ जाते हैं हाँ। वो मेल्स में भी है कि की चेहरे पे दाने आ जाते चेहरे पे दाने ये मुझे समझ भी नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है कि मतलब शरीर की गर्मी नहीं निकल रही है इस वजह से हो रहा है पर ऐसा नहीं होता है अच्छा देर आर पॉइंट वो ऑब्वियस है कि अगर बहुत ज्यादा भर गया है आपके अंदर बहुत ज्यादा यू नो निकलेगा तो जरूर क्योंकि हर सेकेंड ऐसा कहते हैं कि हर सेकेंड जो है पंद्रह हजार काउंट स्पर्म बनता है इंसान के शरीर में अच्छा। कि हर सेकेंड की बात है तो आप सोचो एक दिन में कितना बन रहा होगा और सोचो दस दिन में कितना बन रहा होगा कितना ही बन रहा होगा तो उसको रिलीज करने के लिए उसे कुछ तो चाहिए कोई तो टेक्निक चाहिए ना वो मानते हैं कि तुमने डायरेक्ट कर दिया और निकल गया एक वो भी चीज हो गई लेकिन फिर जब दोबारा कभी ऐसा होगा ना अगर आपने एकदम बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कर दिया मैंने देखा कुछ लोग ऐसे बिना सोचे भी करते हैं वो किसी को इमेजिन नहीं करते बस वो कर हाँ। देते हैं, राइट पर ये गलत है जहां तक मेरा अपना टेक है When you, ऐसा क्यों? क्योंकि when you imagine, when you, uh, when you want to have pleasure, ये चीजें pleasures के लिए बनाई गई ये नहीं कि तुम एक जानवर नहीं हो तुम एक तुम्हारे अंदर एक emotion है तुम जब खाना खाते हो तो बोलते हो कि मुझे खाना बहुत अच्छा लग रहा है right? ऐसा तो है नहीं कि मैंने उठाया सीधा मुंह के अंदर ले गया पेट के अंदर चला गया और फिर आ, निकल गया ऐसा नहीं होता है तो आप जो भी कर रहे हैं मेरा ऐसा मानना है कि उसमें आपके भाव बहुत मैटर करते हैं आप मास्टरबेशन भी कर रहे हैं तो आपके भाव क्या हैं क्या आप कुछ सोच रहे हो नहीं सोच तो, रहे हो मतलब जे? आप कहना चाह रहे हो कि मास्टरबेट भी करते हैं तो क्रिएटिव होके करना चाहिए कुछ क्रिएटिविटी हाँ मतलब ऐसा क्रिय... भी होता है मास्टरबेशन में क्रिएटिविटी यस yes, मतलब ये बहुत सही टॉपिक है कि क्रिएटिविटी uh, क्या मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत पहले उस बुक में मेंशन था उसमें भी काम कलाओं के बारे में था अच्छा तो उसमें ये मैंशन था की जब आप मास्टरबेशन करें पहले लड़कों के लिए बताता हूँ ठीक है जब आप मास्टरबेशन करें तो uh, अपने पैर के जो अंगूठे हैं उनको एकदम श्रिंक कर लें और उसके बाद आप मासन करें और जैसे ही आप यू नो इरेक्ट होने वाले हो आप छोड़ दें मतलब बिल्कुल लूज हो जाए पूरा पूरा तो इससे क्या होगा आपके पैरों में सेंसेशन डबल ट्रिपल हो जाएगी फिर जब जब आप खड़े होंगे ना तो आपको अपने आप आपके पेनिस पर वो कुछ ना कुछ, वो सेंसेशन महसूस जब जब आप चलेंगे अच्छा या जब जब आप कोई पोजीशंस बदलेंगे उदाहरण के तौर पे अब आते हैं लड़कियों पे तो उसमें ये लिखा था कि जब आप मास्टरबेट कर रहे हो किसी तरीके से या फिर जैसे भी आप किसी चीज को सोच के देखो सोच के करना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग देन आप टीवी देख के करें या पौन देख के करें पौन देख कर जो होता है, वो बड़ा अजीब होता है अनरियलिस्टिक सा होता है अनरियलिस्टिक होता है क्योंकि आप कुछ और ही इमेजिन कर रहे होते हो उसमें hmm. पर वो रियल नहीं होता है हाँ. आपकी सोच एक बार को आपकी हो सकती है पर वो पौन आपकी नहीं है राइट हाँ. right? तो आपकी सोच एक बार को आपकी हो सकती है पर वो पौन पौन है बेसिकली ऐसा करके तो ऐसा उसमें लिखा है कि जब लड़कियां ऐसे मासन करें तो उनको अपने पास आस पास एक जो एरोमेटिक कैंडल्स होती हैं एक जो लुबान होता है बेसिकली जब वो जलाती हैं वो घास जब वो जलाती हैं वो भी अपने राइट साइड में अच्छा ठीक है तो ऐसा कहते हैं कि लुबान का जो इम्पेक्ट होता है वो आपकी नाड़ियों पर पड़ता है अच्छा। समझिएगा इसको ध्यान से ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां होती है लेफ्ट और राइट ठीक है तो वो होता क्या है कि उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और उससे एनर्जीज और फ्लो होती है द मूवमेंट आपकी क्योंकि वो लेफ्ट होता है आपने ऐसा भी सुना होगा ना लड़कियों का जो स्थान है वो लेफ्ट होता है हाँ। लड़का राइट में खड़ा होता हाँ, है हमेशा राइट, राइट में हाँ। तो ये जो ईड़ा पिंगला नाड़ियां जिनके हम बात बता रहे हैं वो लेफ्ट और राइट right का ही कॉम्बिनेशन है ओके तो लड़कियों को लड़की को अगर जो लेफ्ट पोर्शन है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं से उस पर एनर्जी का संचार ज्यादा हो रहा है तो ऐसा कहते हैं कि उसकी बॉडी के सेंसेशन डबल हो जाते हैं ऐसा उसमें मैंशन था और जब उन सेंसेशन के साथ वो मासन करती है तो प्लेजर ज्यादा होता है समझ में ज्यादा आता है एंड अगेन अब वही बात करें कि देर इज नो काइंड ऑफ जी स्पॉट अगर आप ऐसे देखेंगे तो बाईस जी स्पॉट बताए गए हैं टोटल लड़कियों के अंदर बाइस जी स्पॉट एक नहीं है बाइस ठीक है आर जी जी अच्छा स्पॉट स्पॉट इज अ टर्म का मतलब क्या है एक बड़ा सा स्पॉट है उदाहरण तो के तौर पे ऐसे आप ले लो हुँ. तो जी स्पॉट इज अ टर्म एक उसके अंदर बहुत कुछ बहुत बहुत सारे प्लेजर पॉइंट्स हैं तो जो हमारा क्लिट होता है उस वो जिस तरह से अंदर फैला होता है उधर होता है पूरा जी स्पॉट वो तुम अच्छा। बाहर से भी टच कर सकते हो तुम अंदर, अंदर से भी कर सकते, सकते हो वो तो तुम्हारे अपने ऊपर है तो उसमें यही मेंशन है कि एक तो ये तरीका हो गया दूसरा जो कैंडल्स होती हैं ठीक है ऐसा भी आ, कई उसमें मेंशन है स्क्रिप्चर्स में कि आ, कुछ लड़कियों ने ऐसे कैंडल जलाकर वो त्राटक करके एक मास्टुबेशन करती थी मैं आपको पहले त्राटक का एक, एक वो बता देता हूँ त्राटक मतलब होता है ध्यान अच्छा मेडिटेट करके। मेडिटेट करके करके मतलबेट करती थी बहुत क्लासिक वे है वो ये कैसे होता था तो बेसिकली जब कोई लड़की होती थी तो आ, उन लोगों के दो तरीके होते थे मास्टोबेट करने के पहला या तो वो खुद से कर ले ऐसा करके एक मास्टुबेशन का तरीका और था त्राटक करके वो त्राटक ऐसा होता था कि मिरर त्राटक हो गया अग्नि त्राटक हो गया ये मैं ऑलरेडी पैरा पॉडकास्ट में बता चुका हूँ की okay. कैसे होता है एक मिरर आपके सामने है वो लड़की केवल बैठी हुई है अच्छा ठीक है अब वो लड़की केवल निहार रही है खुद को okay. एक ऐसा मोमेंट आता है ध्यान करते करते कि आप बहुत बहुत ज्यादा निहारने लगते हैं खुद को और हाँ. बहुत ज्यादा ऑब्जर्व ये लड़कियां करती हैं है लड़के भी करते हैं वो निहारने लगते हैं तो जब ऊर्जा होती है ना तो बहुत पैरलर चल रही होती है जैसा आप यहाँ सोच रहे होते हो माइंड में वैसा उधर चल रहा होता जनरेट हो जाता है और आप नहीं भी करोगे ना ये साइकोलॉजी कहती है अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपका, आपका हाथ उधर चला जाएगा अपने हाँ। आप ठीक है तो ये जो मिरर त्राटक करके ध्यान करके कि मतलब यू नो अब ऐसा हो रहा है कई बार ऐसा भी सुना गया है कि लड़कियों को मार्सिट करने की जरूरत नहीं पड़ी वो हो गया है उनका अपने आप ऐसे कैसे ऑटोमेटिकली हो गया है ये एनर्जीज का खेल होता है वही मैं आपसे बोल अच्छा, रहा हूँ मतलब कुछ टच किए कुछ, कुछ भी ये सोच के भी होता है ये अच्छा. लड़कों में भी होता है ये बहुत इनडेप्थ चीज है पर होता है वो कुछ ना करें ब्लड सर्कुलेशन तो लोग ऐसे बिल्कुल करते थे उनको जब छूना नहीं होता था अपने जेनिटल्स को उनको जब बिल्कुल भी एकदम यू नो अलग हटे रहना होता था तो ऐसा भी होता था कि वो लोग चुपचाप से बैठे रहते थे बस केवल सोचते थे सोचते थे बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करते थे तो ब्लड जब आप सोचोगे तो आपका ब्रेन वर्क करेगा सर्कुलेशन हाँ, तेज होगा हाँ, लड़कों का भी यही है सोचेंगे सर्कुलेशन तेज होगा ठीक है पेनिस का स्टैंड होना कैसे होता है सर्कुलेशन बढ़ जाता है सर्कुलेशन बढ़ता है ऐसा नहीं कि उन्होंने पौन देख ली सर्कुलेशन बढ़ा इसलिए हो गया और उन्होंने उधर फोकस करा राइट ये भी एक पॉइंट है तुम उधर फोकस करोगे तो ही होगा तो अब हमने अगर उधर फोकस करा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वहां हो रहा होगा प्लस उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ लड़कियां अगर हल्की सी मूवमेंट कर देती थी तो और ज्यादा उनको स्पीड में होने लगता था अच्छा ये वही है जैसे कुछ लड़कियां लेग्स को क्रॉस करके मास्टरबेशन करती हाँ, ये भी एक तरीका होता है जो लड़कियां करती हैं बिना छुए मतलब वो छूती भी नहीं है क्योंकि उनकी वजह ना श्रिंक हो जाती है क्योंकि वो अपनी हिप्स को और ज्यादा मूव करती है बैठे बैठे तो ऑटोमेटिकली उधर से स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं से एक तो वे मिलना चाहिए ना हाँ। तुम एनर्जीज के थ्रू करोगे तो हो सकता है तुम्हें बहुत टाइम लगे तुम लेग क्रॉस करके करोगे तो हो सकता है लेकिन जो लेग क्रॉस वाला प्रोसेस है है वो मैंने सुना है, बहुत लोग करते हैं हाँ। मतलब ये जो एनर्जी वाला है कि माइंड से आ, मतलब मेडिटेट करके उसके बाद जी जी सेल्फ लेना ये तो बहुत ही कम लोग करते हैं ऐसा शायद बहुत ही कम लोगों को पता भी होगा कि ऐसा कुछ होता भी है मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं की लोग करते होंगे इसको अब के डेट में कोई नहीं प्रैक्टिस करता होगा इसको मतलब पहले करते थे लोग ऐसे बिल्कुल करते थे पहले क्योंकि उनके पास होते थे पहले ऊर्जा के बिहाफ़ काम ज्यादा होता था तो पहले भी मतलब जो मास्टरबेशन को लेके एडिक्शन है ऐसा भी कुछ होता था प्रॉब्लम का ये नहीं ये सिर्फ, ये सिर्फ मुझे लगता है कि इस समय का ही है क्योंकि पहले के समय पे चीजें एक्सेसिबल थी और नॉलेज ज्यादा थी इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी अभी वो इन्फॉर्मेशन विलुप्त हो गई है क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ गई है अभी क्रिएटिविटी कम हो गई है एंगेजमेंट बहुत हो गई है अभी प्रेशर में हाँ है। अभी समझ में नहीं आता एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि अगर तुमने मासोबेशन नहीं किया है ठीक है ये मैंने भी फेस किया है अपनी जिंदगी में कि अगर नहीं किया है तो जो तुमसे बड़े लड़के हैं वो मजाक उड़ा ले लेंगे अरे तुमने नहीं किया बताओ ऐसा तो वो फिर एक हो जाता ना कि तुमने किसी के में के शुरू कर दी और फिर विच इज नॉट बैड लेकिन अगेन तुम जब कर रहे हो तो वो खुद के लिए करो मेरा ये मानना है बहुत सारे लोग माँ करते समय जैसे आपने बताया कि वो उसने बोतल वो यूज कर ली थी बहुत लोग अलग अलग चीजें उसमें यूज कर लेते हैं ठीक है देर आर मल्टीपल थिंग्स जिसको यूज करते हैं और फिर उनके वजायना में होती है दिक्कत मेरा ये मानना है ये अपना मेरा टेक है कि अगर भगवान ने स्किन दी है तुम्हारे ठीक है अगर भगवान ने एनर्जीज दी है स्किन दी है तो तुम पहले खुद से ट्राई करके देखो राधर देन की उस पर तुम कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओ ठीक है वो एक जनरल चीज है वहां पर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम उस मोमेंट पे प्रेजेंट कितना हो राइट तभी तो एंजॉय कर पाएंगे उस चीज और फियर ना हो आप मास्टरबेशन तभी एंजॉय कर सकते हैं मतलब आपके सामने अगर कोई फियर है तो आप मास्टरबेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते और अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो आई डोंट रिकमेंड की मतलब उससे फिर आपको एकदम यू नो रिलैक्सेशन मिलेगा या कुछ ऐसा देर आर पर्टिकुलर टॉपिक्स जहां पर यह भी मेंशन है कि मास्टरबेशन कितनी देर करना चाहिए अच्छा, और ऐसा कितना भी कुछ करना है। चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल और कितना करना चाहिए मतलब कितना मतलब कितनी इन... बार करना चाहिए देखिए कितनी बार का तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जो मेरे हिसाब से आइडल टाइम है देखिए सबका अपना अपना होता है ठीक है लेकिन जो मेरे हिसाब से एक कॉमन आइडल टाइम है वो है दो से तीन दिन हफ्ते में ओके दैट इज अ गुड ओके ओके वाला मैस्टरबेशन हाँ अब आप उसको एक्सेसिव करेंगे बहुत ज्यादा ही कर लेंगे हर दिन करेंगे हर दिन में तीन बार करेंगे तो एक्सेसिव से ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है कि बिल्कुल होता है ना आप सोचो ना कि कोई एनर्जी है जो आपके शरीर में जनरेट हो रही है हुँ. ठीक है आपने मास्टरबेशन किया वो लड़का हो लड़की कोई भी हो हुँ. ठीक है आपने मास्टरबेशन किया उस एनर्जी रिलीज होगी वो बनी ही नहीं अगर एनर्जी तो रिलीज क्या होगा अच्छा जो आस की चीजें है जो आपका ब्लड है वो रिलीज हो जाए को को आपकी ऊर्जा तो लग जाए पर कुछ रिलीज ना हो वो डिप्रेशन एक अलग हाँ, मतलब ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि हैं कि एक्सेसिव करते और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं हाँ, तो मतलब बहुत कॉमन है आजकल डिप्रेशन तो खैर मैं नहीं बोलूंगा लेकिन डिप्रेशन इज अ वेरी मेरे हिसाब से बहुत बिग टर्म है पर हाँ वो लोग इस बात से चले जाते हैं की अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तुमसे हो नहीं रहा है या फिर कुछ ऐसा ऐसा करके मतलब सेल्फ प्लेजर की जो टेक्निक्स टेक्निक मैं तो भी बहुत बात का टॉपिक समझता हूँ पता है आपको आर सर्टेन uh, जो बहुत जरूरी छूने जानने या फिर उसको एक्सप्लोर करना मास्टर तब करें तो ज्यादा बेहतर है ये नहीं कि आपके सामने एक ऑप्शन है मास्टर का और आप उस मास्टर को मेरा ये मानना है कि आप एक फिल्म कैसे देखते हो मतलब फिल्म में आप एक्टर को भी देखते हो स्टोरी लाइन क्या क्या है है सब जब सब देखते हो तभी तो समझ में आता है तो ऐसा थोड़ी ना कि अब अगर किसी को मास्टरबेशन करना है किसी लड़के ने किसी से सुन लिया लड़के ने किसी से सुन लिया तो आके सीधा वो मसबिट करने लगेगा उस चीज को उसे कुछ समझ में भी, भी नहीं आएगा धीरे धीरे फिर टाइम के साथ साथ मैं अपने कुछ ऐसे डॉक्टर फ्रेंड्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छी है मतलब काफी नाम है उनका और वो जब छोटी थी ना वो पूरी डॉक्टर के बैकग्राउंड से हैं ठीक है तो वो जब छोटी थी तो उनके माँ बाप उन्हें प्रॉपर बताते थे

कहीं कुछ भी हो कंफ्यूजन हो कुछ जैसे कॉन्ट्रोसे uh, हो गया और कॉन्डम्स की जहां हम बात करते हैं सेफ सेक्स पे सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर के नहीं पे पे भी इस पे भी इस लोग बहुत बात मल्टीपल टॉपिक तो मेरा कहने का मतलब है हमारी शुरुआत तो मास्टर से ही होती है ना हर इंसान की शुरुआत वही से होती हाँ, है अब ऐसा तो है नही वो सीधा आते ही सेक्स कर रहा है या फिर कुछ बहुत लोग होंगे लेकिन जो बेसिक शुरुआत है वो जनरली जनरली लोग यही करते पहले सेक्स तो अगर ये कर रहे हैं तो वाई नॉट हम अगर इसको थोड़ा क्रिएटिव बनाएं जो मैं क्रिएटिव वेज की बात बता रहा था देर आर मल्टीपल क्रिएटिव आर आप you know, आप आप यू नो उसको मास्टरबेट कर तो रहे हैं स्किन को अप एंड डाउन कर रहे हैं लेकिन करते समय हर मूवमेंट को जो स्पीड है वो बदल रहे हैं हर मूवमेंट की स्पीड चेंज कर रहे हैं कुछ कुछ मिनट के लिए अच्छा अगर लड़कियां मास्टरबेट कर रही हैं वो अपने क्लिट को रब कर रही हैं है हाँ। तो वो हर सेकंड ये एक बहुत क्लासिक चीज बताई गई कि जब हर पंद्रह सेकंड में आपने उस क्लिट की स्पीड को चेंज करा हुँ? या फिर क्लिट को हल्का सा वेट करके फिर से उसको करा अच्छा तो आपका मास्टोबेशन जो होता है वो जो होती न, होती जो होती होती, वो जो जो राइजनेस होती होती है 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 ना ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ती है अच्छा तो भाई मैं, मैं बोल रहा हूं, ये एक टेक्निक है ठीक है कि कैसे इसको करना है अब यही चीज अगर कोई और करता है तो वो एक अलग टॉपिक आ जाता है हुँ? वो फिंगरिंग में आता है देर आर मल्टीपल थिंग्स पर जब खुद से कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा करें जो एक्चुअली क्रिएटिव भी हो अब क्रिएटिव इसलिए हो ताकि आप जिंदगी को अलग अलग तरीके से देख सकें समझ सकें, है ना अगर आप सीधे सीधे एक ही जिंदगी जिएंगे, तो आप खुद में इरिटेट हो जाएंगे और दूसरों को भी कही कहीं ना कहीं इरिटेट कर देंगे मास्टरबेशन मेरे लिए खैर मेरी नजर में मेरे आ, से, पूरा, पूरा ये है।, या, जो होते है वो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आ ये या तो लोग खुद एक्सप्लोर करते हैं अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में ये ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंट करके ही अपने बारे में सोच समझ के अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में सोच समझ के उसके बाद ही पता लगता है तो पॉसिबली पॉसिबली तो आपको क्या लगता है कि प्लेजर पॉइंट्स आखिर मतलब होता क्या है प्लेजर पॉइंट एज एन मतलब आप ऐसे समझो कि आ... हर रिमोट में एक बटन होता है जो हर एक अलग चैनल को वो करता है प्रोड्यूस करता है okay. हमने वन दबाया तो वन पे कोई और चैनल है टू पे कोई और चैनल है जी. तो प्लेजर पॉइंट मेरे लिए वैसा है कि एक ऐसा बटन एक ऐसा रिमोट जिसके अंदर आपको चैनल्स के व्यू नहीं दिए हुए हैं ओवरव्यू नहीं दिए हैं कि एक नंबर पे स्टार गोल्ड आएगा दूसरे पे क्या आएगा

किस तरह से छू रहे हो वो अलग ही वो सेंसेशन होता वो भी है बहुत अलग सेंसेशन होता है मतलब कई ऐसी कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स वगैरह थी उन सब में ये आया है कि छूने के तरीके बहुत मैटर करते हैं तो वो पॉइंट्स ही होते हैं जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं और uh, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आ, पहला पहला प्यार होता है मान लो कि बचपन का प्यार स्कूल लव <laughs> या फिर कॉलेज जो मिलता है <laughs> हाँ जो किसी को नहीं मिलता है एंड में जाकर के तो उसमें ऐसा होता है कि जो सामने वाला इंसान है जिससे आपको अट्रैक्शन है इंपेचुएशन है या जो भी है बोल लो उसको देख करके मतलब अलग ही बॉडी में सेंसेशन और अराउजल ऐसे आता है मतलब टच भी नहीं हुआ जस्ट बाई दैट पर्सन वो आपके अराउंड है तो भी आपका ऐसा बॉडी में अलग सा एक सेंसेशन ऐसा आता है बहुत ज्यादा तो। आता है मुझे तो मेरे स्कूल की याद आ गई कि मतलब मैं एक लड़की थी उसको देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो क्या अच्छा लग रहा है वो मुझे मुझे नहीं नहीं पता पता हाँ। तब तक तो इसके बारे में पता भी नहीं था कि ये फीलिंग होती की वो।, वो एक फीलिंग अलग होती है तो ये जो फीलिंग फीलिंग हम लोग बार बार कर रहे हैं ना जितनी मेरी स्टडी है चीजों को लेके मेरे हिसाब से वहां पर एनर्जीज वर्क करती है लेकिन कहीं कहीं पर एनर्जीज के क्लॉट बन जाते हैं बॉडी में उसी को शायद हम प्लेजर पॉइंट्स बोलते हैं जो मेरा अपना मानना है अभी मुझे नहीं पता कि आप या फिर जो लोग हैं वो किस तरह से पॉइंट्स को समझते हैं ऊर्जा को मैं ऐसे समझता हूं और ये समझता हूं हूँ मतलब... या वहां पर सेंसेशन ज्यादा है एक तरीके से हर इंसान की सेंसेशन एक तो अलग होती है अच्छा तो... ये भी डिपेंड करता है कि अगर हाँ, इंसान पर... तो इंसान और मेल फीमेल्स का भी होगा हाँ मेल फीमेल्स में अलग अलग होता है बिल्कुल और ऐसा कहते हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों में सेंसेशनल पॉइंट्स पॉइंट्स जो जो होते हैं हैं अराउजल हम बोलते ठीक है जिनको हम प्लेजर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं वो बहुत डिफरेंट वे में जाते हैं ओके okay. एक बहुत अच्छी रिसर्च थी उसके हिसाब से ऐसा कहते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो वेरी करते हैं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ठीक है लेकिन जो मेरी स्टडी है वो ये कहती है इस चीज के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू कामसूत्र की प्लेजर पॉइंट्स चंद्रमा की कलाओं पर डिपेंड करते हैं अच्छा ऐसा भी है बिल्कुल प्लेजर पॉइंट्स भी डिपेंड करते हैं उस पर और दूसरा कि आप कितनी ज्यादा चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो एनर्जीज है वो फ्लो हो रही है हमारे शरीर में ठीक है बिल्कुल। चंद्रमा की सोलह कलाएं होती है अच्छा अब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं में मूव करता है जब हाफ मून होता है फिर हा, हा, होता है एक फुल मून होता है पूरा एक साइकिल होता है वो पूरा एक साइकिल होता है वो साइकिल सिक्सटीन पार्ट में कंप्लीट होता है ओके तो वो सोलह कलाएं हो गई ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा का इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी है ऑब्वियसली बात है कि जब शरीर में सत्तर परसेंट पानी है हाँ। उसकी वजह से ज्वार भाटा आते हैं तो उसी की वजह से अपने शरीर का बदलाव भी हो बिल्कुल पहले के जो इफेक्ट करते हैं उससे बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ऐसा भी कहते हैं की पहले के जो ऋषि मुनि थे वो लोग कलाओं को देखकर जैसे मान लो जिस तरह से कलाएं चल रही हैं हर तरह की जो नक्षत्र की जो औरतें होती है हर तरह के पर्टिकुलर साइंस की औरतें होती हैं अच्छा उनका चंद्रमा की कलाओं से जो इफेक्ट है अच्छा वो बिल्कुल अलग पड़ता है और उसी के हिसाब से जिस नक्षत्र की आप लड़की हैं उसी के हिसाब से आपके जो प्लेजर पॉइंट्स हैं हाँ। वो चेंज होते हैं तो ये कौन से नक्षत्र है नक्षत्र तो देखिए अब अपने अपना मानना है लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र अच्छा। है जो हमने ये सब सुन रखे हैं हाँ। जो लोग कहते हैं कि ये इस नक्षत्र में पैदा हो गया सम्भव तो नक्षत्रों का प्रभाव तो है हर नक्षत्र की लड़कियां अलग हैं वो आप लोगों को सर्च करके समझना पड़ेगा कि आप किस नक्षत्र के हो अच्छा ऐसा करके तो जैसे नक्षत्र में आप पैदा हो आपकी ऊर्जा भी चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से बदलेगी एक बहुत सही चीज होती है कि जब भी इंटरकोर्स पूरा हो जाए तो ऐसा कहते हैं कि आपने वो कभी सुना है कि जो आ, मोती वगैरह होते थे या जो ऐसे रत्न होते हाँ थे हाँ। तो उनको चांद की रोशनी में रख दो वो चार्ज हो जाते थे कुछ ऐसा करके अपने आप ऑलरेडी चार्ज हो जो तो बॉडी का भी वही सीन है अच्छा बॉडी जब हम सेक्स कर लेते हैं या कुछ ऐसा होता है तो एनर्जी रिलीज के... होती है, हीट हाँ, बिल्कुल, तो हाँ। जो के जो सूत्र थे, 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 थे? बैठ जाओ थोड़ी देर दोनों आपकी जो एनर्जी है जो अभी गई है जो प्लेजर पॉइंट गए हैं क्योंकि आप एक बार छू लोगे ना एनर्जी बिल्कुल वापस से फ्लैट हो जाएगी तो फिर okay. आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी हो जाता है मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है मतलब ड्यूरिंग सेक्स देर आर पीपल जब कंटिन्यू तुम छूते रहोगे छूते रहोगे तो एक पूरी सेंसेशन हो जाती है बॉडी में बिल्कुल ठीक है छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें पता नहीं कि कहाँ छूने से ज्यादा सेंसेशन हुई है हाँ. हल्का हल्का जस्ट याद होता है हुँ. तो जो मैंने बताया कि ऊर्जा का एक क्लॉट बनता है जब उसको हम लोग छूते हैं अपने हाथ से तो ऊर्जा का क्लॉट वापस से फिर पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में सेंसेशन उसको बोलते हैं अब ये जो ऊर्जा के क्लॉट है ये चांद की रोशनी में जाने पर वापस से क्रिएट हो जाते हैं धीरे अच्छा। से तो हमारे जो हैं वो recreate हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है है बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा होता है आप अगर ऐसे मान के चलिए देर आर पीपल जो मान लो आ, सेक्स कर रहे हैं और उसके बाद वो चांद की रोशनी में बैठे हैं ये बहुत कॉमन एग्जांपल है आपकी जो बॉडी की ऊर्जाएं हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी कुछ समय के लिए और उसके बाद अचानक से फिर से आपको लगेगा मतलब कई लोगों ने ऐसा कहा है जो चांद की रोशनी में बैठते हैं उन्होंने कई लोगों ने ऐसा कहा है कि उनको फिर से एक बार ये होता है कि चलो लेट्स डू अगेन और इस बार सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा होती है तो okay. ये चंद्रमा की रोशनी बैठने का और प्लेजर पॉइंट्स को इंक्रीज करने का एक बहुत आ, सिंपल और बहुत क्लासिक तरीका है तक मेरा ऐसा मानना है। अब ये देखिए तो सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है। जी जी। आ, ऐसा भी होता है कि बहुत जैसे मैंने सुना है लोगों का एक्सपीरियंसेस कि प्लेजर पॉइंट्स एक टाइम पे आकर के वो चली जाती है मतलब एक टाइम तक वो स्पेसिफिक जगह होती है स्पॉट होता है बॉडी का जहाँ पर कि टच करने से हाँ एक टाइम पे अराउजल आता था, था लेकिन अब नहीं आ रहा अब नहीं आ रहा स्पार्क बचा है। या फिर उनके पार्टनर के साथ आ, पहले आ, मतलब अब वो बोरिंग हो गया है पहले वो स्पार्क था लेकिन अब बचा नहीं अब बचा नहीं हाँ। अब अगर मैं उसको हक भी करती हूँ या फिर उसके बाद ये हो जाता है बहुत कॉमन की चलो अब अब हम दोस्त रहते हैं अब फ्रेंड जोन में चला जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये मतलब एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जब मैं समझ रहा था इस चीज को तो मेरे तो बड़ा अजीब सा था कि ये होता गया अचानक से कोई आ रहा है मैं केवल लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ दोनों को होता है लड़कियों को जनरली ये ज्यादा होता है की मतलब हो क्या गया एक पॉइंट पे आकर के मतलब जी बींग गर्ल एक मतलब शुरू शुरू में वो स्पार्क बहुत ज्यादा रहता है की हाँ कब मिलना है क्या करना है प्लान बनाना है उसके साथ टाइम स्पेंड करना है ये सब बहुत रहता है एक टाइम पे आकर के ना हो जाता है सब चीज स्लो डाउन हो जाता है और फिर वो लगता है कॉमन है आपको लगता है आपके हिसाब से क्या ये हाँ ये कॉमन है ये ऐसा होता है ये ऐसा होता अब यही वाला हाल है ना कि देर आर गर्ल्स जो देर आर बॉयज ऑल्सो जो इन दोनों इन बातों को नहीं समझते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं ये तो होगा ये स्वाभाविक सा है अच्छा। आपका इंटरेस्ट कम होना आप उसको ये मत बोलो कि हमारा मतलब हमारी एनर्जी मैच नहीं हो रही अब हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बात ये होता मतलब है ऐसा होता क्यूँ मतलब होता नहीं है मेरे हिसाब से नहीं होता ये मेरा अपना ठेक है कि ऐसा होता नहीं है ऐसा बनाया जाता है उदाहरण के तौर पर की अगर मेरे पास एक टीवी है मैं उसको देख रहा हूँ कंटिन्यू एक ही चैनल देख रहा हूँ कंटिन्यू ठीक है तो थोड़ा मुझे बोरियत लगी उसके अलावा मैं उसे कुछ करते करते देख रहा हूँ खाना बनाते बनाते अब मैंने ये देखा कि जैसे ही ऐड आएगा मैं घूम के इधर आ जाऊंगा अब हाँ। ये क्रिएटिविटी चल रही है मेरे दिमाग में तो जैसे ऐड आता मैं घूम के इधर घूमने लगता तो फिर जैसे ही लेट सपोज मैच आ रहा है उसमें तो जैसे ही ऐड uh, आया वैसे ही मैं इधर आ गया एकदम से और कुछ काम करने लगा घूम के फिर मैंने अपने दिमाग में ये बनाया कि मैं बहुत स्पीड में उछल के अपने बेड पे आ जाऊंगा जैसे ही एड चालू हो जाएगा मैं आ गया अब मेरे लिए वो भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि जब मैं उसके साथ साथ कोई और गतिविधि भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ मतलब एक्चुअली और भी कुछ है ऐसा नहीं कि इसको देखना ही है खाली तो मतलब आपके हिसाब से कि वो स्पाइस जो वो वो रहता है कि क्लब में वो स्पार्क कभी भी मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए तो, तो वो, वो लूज स्पार्क नहीं है मतलब आप देखो अगर एक मैं नॉर्मल मतलब की वो प्लेजर पॉइंट अगर लॉस्ट हो गया तो कोई और प्लेजर पॉइंट भी होगा और ऐसे? भी हो सकता है बिल्कुल एक्सप्लोर करते रहना चाहिए एक्सप्लोर करो मतलब आप ऐसे देखो कि अगर घर में हाँ हा, कितने वेरिएशन होते हैं हमारी जिंदगी में ठीक है देर आर मल्टीपल वेरिएशन मेरी और मेरी माँ का जो रिलेशन है हुँ? ठीक है वो बिल्कुल उसमें भी प्यार है उसमें भी बहुत ज्यादा प्यार है हम लोग बातचीत करते हैं सब ठीक है पर वो कभी एक सा नहीं है वो तो हमेशा चेंज होता है हाँ। हमारी बातचीत चेंज होती रहती है हम जैसे जैसे आगे चलते रहते हैं ओपिनियं कहीं मैच नहीं करते भी कहीं मैच नहीं करते पर एक रिश्ता जुड़ा होता है कि हाँ, हमारी माँ रहता है, है हाँ। तो वो अंदर से ऑलरेडी तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एक ऐसे रिश्ते से नहीं आप ऊर्जाओं को भी ऐसे ही देखो अगर एक कपल है वापस में लड़ नहीं रहे हैं, तो लड़ो उसी तर... से स्पार्क बना रहेगा नहीं क्योंकि जिंदगी एक सी चलाओगे तो आपको हमेशा वही दाल चावल वही दाल चावल खाओगे तो वही वाला टेस्ट हाँ। आएगा जिंदगी भर आप कुछ भी खा लो कभी कभी थोड़ा तड़का लगा देना चाहिए तड़का लगा दो या <laughs> फिर मतलब कुछ भी ऐसा कर दो मेरा ये मानना है की आप उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ नया बन सकता है कुछ नया हो सकता है एक तरीके से अब उसी टीवी के ऊपर मैंने कुछ ऐसे अपना डेड या कुछ भी ऐसा लगा दिया तो वो अलग दिखने में लग रहा है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप चीजों में जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे सटल वे में और अच्छे वे में अगर ऐसा थोड़ी ना टीवी उठा पटक देंगे <laughs> तो टीवी तो वहीं पे है लेकिन आप सटल वे में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्लेजर पॉइंट्स हैं ये कितनी जल्दी बदल रहे हैं ये बहुत कॉमन सी चीज है मतलब आप उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में आप अपने घर में बैठे हैं लेट सपोज कोई इंसान है जो घर में इंटीमेट हो रहा है ओके उस समय प्लेजर पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं

और आप लोग सेम उसपे वाइप कर रहे हैं या फिर सेम एनर्जी शेयर कर रहे हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपकी सेंसेशन ऊपर से नीचे जाती है दैट्स okay. किसिंग शुरू होती है फिर धीरे 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 नेक्स्ट प्रोसेस होता है है जनरली ऐसा ही ठीक आप देखोगे तो कॉमनली यही होगा और स्टार्टिंग किसिंग होगी देन आगे जाके फिर वो जैसा भी उनका अपना प्रोसीजर है वो अपना करेंगे और एंड वहां पे हो जाएगा okay. तो ये जो एक पॉइंटर है अच्छा जब हम लोग घर पे होते हैं तो फिर दिमाग में सवाल आता है कि नीचे से ऊपर कैसे हो रहा है ये सब चीजें चीज तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो इंसान है वहां पर ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नीचे से शुरू होता है घर पे घर पे भी आप वैसे ही सब कुछ करोगे पर मैं फोकस की बात कर रहा हूँ जो एनर्जी होती है जो, जो एनर्जीज का पैटर्न होता है हाँ। वो ऊपर से नीचे होगा तब आपके फेस सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अब अच्छा। ये वैरी करता है कि किस नक्षत्र की वो लड़की है उसके वो प्लेजर पॉइंट्स उस तरह से चेंज होंगे मतलब वो उस समय पर घर पे उसके चेहरे नेक पे और ब्रेस्ट तक के जो सेंसेशन है वो अलग हो जाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से और ये सबके लिए अलग अलग होता है सबके लिए अलग हर नक्षत्र की लड़कियों के अलग किसी नक्षत्र की लड़कियों में वो जो सेंसेशन होते हैं हाँ। वो सेक्स के बाद भी वही रहते हैं सेक्स के पहले भी वही रहते हैं ओ। और सेक्स के टाइम पे बढ़ते हैं ऐसा करके अच्छा किसी किसी के में ऐसा होता है कि वो वेरिएशन सिर्फ एंड में आते हैं जब आ, एकदम क्लाइमैक्स होता, होता है क्लाइमैक्स हाँ। होता है तब हाँ। उसमें वो सेंसेशन आएंगे बहुत तेज एक बहुत इनडेप्थ चीज मैं आपको बताता हूँ ये मैंने नोटिस भी करी है ओके। तो उसमें ये है कि क्लाइमैक्स के टाइम पे लड़कियों की जो एनर्जी होती है वो पीक पर होती है लड़कों की भी एनर्जी पीक पर होती है पर क्लाइमैक्स के बाद भी कई बार लड़कियों की एनर्जी पीक पे रहती है। हाँ। वो कॉमनली हाँ, है। है? ये बहुत, ये बहुत बात, हाँ। हाँ, मतलब बात करूँ तो ये एक इशू बोल लो एक टॉपिक बोल लो जो भी बोल लो जी। कि इसको एक मजाक की तरह भी लेते हैं की मतलब लड़कों का पहले लड़कों का पहले क्यों हो जाता है और लड़कियों का फिर टाइम लगता है मीम्स ही बनते की सेक्स होने के बाद भी वो वाइब्रेटर यूज कर रही है लड़कियां exactly, तो हाँ। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब लड़कियों को ऐसे टाइम लगता है ज्यादा और लड़कों का पहले हो जाता है मतलब ये देखिए आई एम नॉट द वन जो उसको एकदम बहुत क्लियरली बता पाए पर यस मतलब मैं अपना टेक दे सकता हूँ इसमें मतलब एनर्जीज का कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा इसमें बिल्कुल मतलब अगर आप एनर्जी वाइज देखेंगे तो आ, ऐसा कहते हैं की जो लड़कों की एनर्जी है वो बहुत वैसी है मतलब कैसे बोले कि बहुत जल्दी से एकदम ऊपर गई और एकदम से और नीचे आ जाएगी। हाँ वो एकदम से उठी और एकदम से डाउन हो गई लड़कियों का ऐसा कि वो को बिल्डअप होता है बिल्ड़ बिल्ड़ होता है उसके हो बाद कंटिन्यू होता हाँ। तो इसीलिए इसीलिए शायद वो फोर प्ले इम्पोर्टेंट होता है फोर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसीलिए शायद लोग कहते हैं की जब आप फोर प्ले बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका सेक्स बहुत अच्छा होता है इसलिए क्योंकि जब आप फोर प्ले करते हैं तो वो किसी भी नक्षत्र की घर लो जब आप फोर प्ले करेंगे तो फोर प्ले में हमारे हर एक चीज का यूज होता है ठीक है फोर प्ले में हम हाथ भी यूज करते हैं हैं, में लिप्स भी ब्रेथ भी ब्रेथ वो सब कुछ होता है उसमें तो उन सारी चीजों को जब हम मिलाकर देखते हैं ना तो हमें पता चलने लगता है ये सबकॉन्शियसली होता है सबकॉन्शियसली ये होता है कि लड़के को या लड़की की एनर्जी को ये पता चलने लगता है कि एक दूसरे के क्लॉट्स कहाँ पे है ये बहुत इंडेप चीज है जो हमारे लिस्नर है अगर वो सुन रहे हैं तो उनको समझ में आएगा कि जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं मान लीजिए आप एक सेफ प्लेस में मिल रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं है और उसके बाद धीरे धीरे यू नो आप लोग करीब आते हैं और बातचीत करते हैं आपकी सांसें एक दूसरे में इंक्लूड होती है तो ये धीरे धीरे ना आपकी बॉडी खुद ग्राफ करने लगती है कि उसको मैंने वहां छुआ था तो कहीं ना कहीं उस, उस तरह से, से हाँ तो हैं उसकी कहा ज्यादा थी वो फिर आपके माइंड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो अनकॉन्शियसली होने लगता है हाँ, जैसे हम बचपन में पोएम वोएम याद करते हैं वो मुंह जबानी रट गई है ठीक हाँ। है कुल मिला वो जो सेंसेशन होती है वो अपने आप कहीं ना कहीं ढल जाती है फिर जब सेक्स होता है तो ऐसा कहते हैं कि ये नोटिस करने वाली भी चीज है कि जब क्लाइमैक्स होता है उस समय उसके जितने सेंसेशनल पॉइंट हैं है वो सारे पीक पे आ जाते हैं अलोंग विद उसकी बॉडी तो अब आपकी बॉडी ही एक पूरा सेंसेशन पॉइंट बन गया एकदम एनर्जी का हब बन जाता हब है हब बन गया एनर्जी का और क्लाइमैक्स पे हर इंसान का चाहे वो लड़की हो या लड़का हो उसका जो एक्सप्रेशन होता है फेशियल एक्सप्रेशन हाँ, वो अलग हो जाता है नाइन्टी नाइन परसेंट अभी तक तो अलग मिला है तो शायद ये जो सबका अलग अलग होता है एक्सपीरियंस तो शायद ये जो प्लेजर पॉइंट्स होते हैं मेरी नजर में ये एक ऐसी चीज है जिसको कह सकते हैं कि सही वे में सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है If you want to have a better foreplay.